A very warm welcome to all the parents and students sitting in the class. It's a beautiful rainy morning and Lonavala, Mahabaleshwar, all these destinations are very close to Pune. But I'm happy that instead of choosing Lonavala, Mahabaleshwar, you have chosen second floor of Prestige Point to spend your Sunday morning. कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले वी जनरली प्रे टू लॉर्ड गणेश एंड देन वी स्टार्ट विद सम गुड वर्क. वी आर हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू प्लान द एंटायर सीए इंटरमीडिएट कोर्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टू द पॉइंट बट अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू ऑल टुडे. सो दिस इंपॉर्टेंट डिस्कशन आई फील डिजर्व्स अ गुड स्टार्टिंग. And that is why I would like to present a small Ganesh prayer before we start today's morning. Gananayakaya Ganadaivataya Ganadhyakshaya Dhimahi Gunashariraya Gunamanditaya Guneshanaya Dhimahi Gunatitaya Gunadeshaya Gunapravishtaya Dhimahi एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्रीगणेशाय धीमहि So that's it. A small prayer for Lord Ganesh because we are going to start this morning for a very noble purpose. So without wasting a lot of time, I would like to hand over the mic to CA Mukta Kunte. So Mukta madam, if you can please guide further. Good morning. Very warm welcome and heartiest congratulations to all CPT cleared students and all the very best for foundation students if they are here already to plan for IPCC or CA intermediate. So I know that many of you have already seen the schedule of Expert Academy and probably many of you are already wondering ki are ye sir kya kiya hai madam ye kya naya schedule hai, you know, we all are confused. Hamare jo senior dosts hai unhone to bola hai ki ye aisa nahi tha, you know, last attempt tak to ye achanak se you know ye sare changes hai, to why this has been done, how this has been done, what we are supposed to do with this change and all that. चेंज इज द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट एंड अगर चेंज कॉन्स्टेंट है तो तुम्हारे लर्निंग स्किल्स भी कंटिन्यूअस बेसिस पे इवॉल्व होने चाहिए. विद दैट आई विल हैंड ओवर द माइक टू सुशील सर टू टेक यू थ्रू दिस न्यू शेड्यूल एंड द प्लानिंग सो एज टू अंडरस्टैंड वाई वी आर ट्राइंग टू मेक यू ऑल एज अ सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स. थैंक यू वेरी मच. वेरी हैप्पी टू सी मेनी ऑफ द पेरेंट्स सिटिंग इन द क्लासरूम टूडे अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स. मैं जैसे बताया कि इतने सालों के सेमिनार में ये आज का सेमिनार इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कई दिनों से दिमाग में ये बात घूम रही थी, चल रही थी एंड वी ऑल टीम मेंबर्स वर थिंकिंग कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड व्हाट शुड बी डन, हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए. इसका हम लोग सब लोग स्वॉट एनालिसिस कर रहे थे और वो स्वॉट एनालिसिस के एंड में हम कुछ कंक्लूजन्स पे आए और वो कंक्लूजन्स की वजह से ये पूरा कोचिंग रिस्ट्रक्चरिंग हमको करना पड़ रहा है. क्या सही है क्या गलत है ये कमेंट करना मेरा काम नहीं है. मैं इसके लिए आज यहां खड़ा भी नहीं हुआ हूं कि कौन सही है और कौन गलत है. बट एक पक्का है कि हर एक का अपना, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना कल्चर होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्टाइल होता है काम करने का. हर इंसान का भी, ऑर्गेनाइजेशन का ही नहीं, हर इंसान का भी. ऐसे सीपीटी में भी हम लोगों ने देखा कि हम चार प्रोफेसर्स आपको पढ़ा रहे थे, हर एक का अपना एक स्टाइल है, राइट. सो वैसा ही है कि हर टीचर का एक अपना टीचिंग स्टाइल होता है और हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना कल्चर होता है. पिछले
पर्टिकुलरली कुछ 4-5 सालों में जो एक्सपीरियंस हमारे सामने आए हैं, वो एक्सपीरियंस को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि हमको कुछ इसमें ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। सबसे बड़ा था कि आउटपुट, ये सब किस लिए हो रहा है? आप सब लोग आज संडे को यहां आके बैठे हो तो आप क्यों आए हो? ऑब्वियसली पेरेंट्स जो आए उनके बच्चों का करियर है, उनके बच्चों का भविष्य है, तो आप लोग भी कंसर्न हो, इसीलिए आप आज यहां पे आए हो। ऐसे तो आप आके बैठे नहीं कि कोई बाबा जी का प्रवचन तो है नहीं, संडे मॉर्निंग है फिर भी आप आए हो, तो जरूर आपका वो कंसर्न ही है कि आपको यहां खींच लाया है। तो आप भी चाहते हो कि भाई आपके बच्चे जो है जो राह पे चले हैं वो राह वो अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट करे और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे, जिस चीज के लिए वो ये डिसाइड किए हैं ये फील्ड वहां तक वो पहुंचे, ये सबकी चाह है। वो दिमाग में रखते हुए ये आगे का डिस्कशन आप समझिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। होता ऐसे कि जब हम सब्जेक्ट वाइज एडमिशन दे रहे थे, सब्जेक्ट वाइज जो एडमिशन आ रहे थे, तो बच्चे फिर कुछ सब्जेक्ट कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ सब्जेक्ट कोई और ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा तो है नहीं कि पुणे में एक ही क्लास है, कई सारे क्लासेस है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है। सो बच्चे कॉम्बिनेशन करने लग गए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कॉम्बिनेशन गलत है, कॉम्बिनेशन गलत है ये बोलना मेरे पार्ट पे भी गलत हो जाएगा, कॉम्बिनेशन गलत नहीं है, बट उस कॉम्बिनेशन में से आने वाला रिजल्ट जो है वो मनचाहा नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। कॉम्बिनेशन करके अगर रिजल्ट आए तो वो स्ट्रक्चर 100% कंटिन्यू होना चाहिए और उसमें हम लोगों ने भी बाधा लानी नहीं चाहिए, बट जिस तरीके से रिजल्ट आने चाहिए बच्चों के वो रिजल्ट्स आ नहीं रहे हैं। अब रिजल्ट नहीं आ रहे तो इसमें फिर अब वापस रूट कॉज एनालिसिस करना हो गया कि फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। पढ़ाता कोई भी बुरा नहीं है, पढ़ाते सभी अच्छा है, सभी लोग अच्छे ही है, कोई टीचर बुरा नहीं है, हर टीचर के पास बच्चे हैं और हर एक जन अपना अपने तरीके से पढ़ा रहा है, अच्छे से ही पढ़ा रहा है, सब लोग अच्छे हैं। बट द प्रॉब्लम इज ये जो स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट वाइज का, इसमें कुछ चीजें मिस आउट होने लग गई और उसका कॉस्ट बहुत बड़ा है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जब आप क्लास करते हो, समझो तो आप ग्रुप वन की बात करें तो आपके 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन है, कोई एक आधे ऑर्गेनाइजेशन में 2 सब्जेक्ट रहेंगे, किसी और 2 एकेडमीज में आपका एक एक सब्जेक्ट है, टोटल ऐसे 3 ऑर्गेनाइजेशन आप डेली बेसिस पे घूम रहे हो फिर रहे हो। अब उसमें होता ऐसे है कि ट्रांजिशन टाइम जो है, ट्रांजिशन टाइम, ये ट्रांजिशन टाइम बहुत टाइम खाने लग गया है। एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना है, कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो, 2-2 घंटे के क्लासेस होते हैं, एक सब्जेक्ट का क्लास 2 घंटे का, तो कुछ भी कर लो आप, बीच में 15 से 20 मिनट जाते ही जाते हैं, जाते ही जाते बोल रहा हूं मैं, कुछ भी कर लो आप। एक सब्जेक्ट समझो एक्सपर्ट में है सवेरे का 7 से 9 का, अगला सब्जेक्ट आपका कहीं और है, एक्सपर्ट के क्लासरूम से बाहर निकल के आप वहां तक पहुंचोगे, उसमें कितना भी हमने कर्टेल करने की कोशिश की तो 20 मिनट जाते हैं मिनिमम, भले ही एक ही प्रीमाइसेस में रहेगा तो भी टाइम लगता है, क्यों तो पैकअप करके यहां से बैग लेके आप गायब होके अचानक दूसरे क्लासरूम में आ गए, ऐसे तो होने वाला है नहीं, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। लगभग 20 मिनट का टाइम हर 2 लेक्चर के बीच में जा रहा है, दिन भर में 4 लेक्चर है तो 4 लेक्चर के बीच के 3 इंटरवल्स हो गए, तो 20 मिनट भी पकड़े तो 1 घंटा तो ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, 1 घंटा। दूसरा नहीं बोला तो भी फिर हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने कन्वीनियंसेस है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने टाइमिंग्स का ये है, हर एक अपना अपना स्टाइल है, फिर कई बार ऐसे होता है कि क्लैशिंग स्टार्ट हो जाता है सब्जेक्ट्स का, टाइमिंग का क्लैशिंग। अब टाइमिंग के क्लैशेस अगर नहीं लाना है तो फिर उसका एक ही सोल्यूशन बचता है कि जो टाइम डिफाइंड है वो टाइम में क्लैशिंग मत करो, फिर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके बाद में बुलाओ बच्चों को, तो किसी के साथ भी क्लैश नहीं होगा। अब जैसे समझो 7 से 5:30 का टाइमिंग सबका डिफाइंड है, 7 से 5:30 सवेरे 7 से लेकर शाम में 5:30, अभी 7 से 5:30 में समझो मेरे सब्जेक्ट को मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए टाइम सिखाने के लिए, अब मैं मेरे बैच का टाइमिंग एक्सटेंड कर नहीं सकता, क्यों तो जो बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है हो सकता है उसका अगला सब्जेक्ट जो है वो 11:30 बजे शुरू होने वाला है किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, और मैं 11:30 बजे छोड़ना नहीं चाहता, मेरे को एक 15 मिनट ज्यादा चाहिए, मैं 12:45 तक लेना चाहता हूं, मैं ले ही नहीं सकता 12:45 तक, क्यों तो वो बच्चे का 11:30 बजे दूसरी जगह स्टार्ट होना है तो मेरे को कंपल्सरीली 11:15 बजे छोड़ना ही पड़ेगा तो वो वहां पर 11:30 बजे तक पहुंच पाएगा। फिर उस केस में मेरे को तो एक्स्ट्रा चाहिए, फिर अब मैं क्या करूं,
ठीक है ना, कितने बजे फ्री हो रहे तुम लोग? 5:30 बजे फ्री हो रहे हैं ना, शाम में 6 से 8 मेरा एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा। अब तुम सवेरे 7 बजे आए हो, शाम में 5:30 तक तो तुम्हारा रेगुलर क्लास चल रहा है, एंड फिर शाम में 6 से 8 तुमको एक्स्ट्रा लेक्चर में बैठना है। पेरेंट म्हणून हे आपल्या डोक्यात जातं का बघा, म्हणजे सकाळी 7 ला आलेला मुलगा आहे, सवेरे 7 बजे आया हुआ आपका बच्चा आहे, और रात में 8 बजे तक वो क्लास में बैठा है, एंड उसके बाद में हमारे ही एक्सपेक्टेशन से प्रोफेसर के कि वो बच्चे ने घर पे जाके होमवर्क करना है और नेक्स्ट डे लाके हमको होमवर्क दिखाना है। ये हमारे साथ, हाँ वो भी 7 बजे नेक्स्ट डे सवेरे, और 7 बजे आना है बोल तो सवेरे 5:30 बजे तो उठना ही पड़ेगा, 6 बजे तो उठना ही पड़ेगा। ठीक है, हॉस्टल एड बच्चे रहते, कई बार 6:30 बजे उठ के भी आ जाते क्लास को, राइट, बट फिर भी आना तो है 7 बजे का, तो स्टार्ट टाइम तो फिक्स है ना। कहीं ना कहीं ये फील आने लग गया कि जो हो रहा है बस चल रहा है, फ्लो है, उस फ्लो में हम बह रहे हैं। आउटपुट, आप में से कोई सीए है यहां? योर चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? या यू आर माय स्टूडेंट, आई रिमेंबर। या सो आप सीए हो तो आप भी जानते हो कि सीए बनने में सेल्फ स्टडी का इंपॉर्टेंस कितना है। एग्जैक्टली, सीए बनने में सेल्फ स्टडी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। मेरा तो हमेशा से बिलीफ रहा है, हमेशा से, दैट वी कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड, वी कैन नॉट मेक इट ड्रिंक द वाटर। हम सिर्फ घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पीना उसको ही पड़ता है। और अगर मैं बोलूं कि आप सिर्फ क्लास लगा लो मेरा ना पास हो जाओगे, और ये एक्सपेक्टेशंस अगर प्रोफेसर्स के भी है हमारे से कि आपने हमारे पास क्लास लगा दिया और क्लास अटेंड करके सिर्फ बच्चा पास हो जाएगा, तो देन एक्सपर्ट इज नॉट द चॉइस फॉर यू। फिर एक्सपर्ट आपके लिए चॉइस नहीं है। रादर टू बी वेरी फ्रैंक, नॉट एज ओनर ऑफ एक्सपर्ट बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कोई भी सीए ये बात को एग्री नहीं करेगा। सेल्फ स्टडी के बगैर आप सीए बन ही नहीं सकते। अब इसके ऊपर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी है। आप लोग बोलोगे कि सर लेकिन सीए जो बन रहे, नंबर तो बढ़ ही रहा है, नंबर तो बढ़ ही रहा है। नंबर बढ़ रहा है बोलते, इनपुट ही बढ़ गया है ना, आने वाले बच्चे ही बढ़ गए, उस वजह से दिखते वक्त ये दिख रहा है कि नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है सीए बनने वालों का। अरे बट पहले 100 लोग सीए में आते थे और 100 में से 10 होते थे, आज 1000 लोग आ रहे और 1000 में से 30 बच्चे सीए हो रहे, तो 10 के 30 हो गए बोल के खुश होने का कारण नहीं है। क्यों? तो पहले 100 में से 10 होते थे, आज 1000 में से 30 हो रहे। तो अगर हम थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड अप्लाई करें तो समवेयर द रिजल्ट्स आर गोइंग डाउन, क्यों? तो इनपुट ही इतना हो चुका है। तो सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बिना सेल्फ स्टडी के हम आगे जा नहीं सकते। सिर्फ सेल्फ स्टडी ही नहीं तो वैल्यू एडिशन भी होना चाहिए। मुक्ता मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया कि एजुकेशन मतलब क्या, तो जो सिलेबस में हमने आपको दिया है या इंस्टीट्यूट ने जो प्रिस्क्राइब किया उतना में मेरे एंड पे सिखा रहा हूँ, खत्म हो गया। तो मेरे हिसाब से मैं मेरे टीचिंग प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर रहा हूँ। बच्चा जब टीचर के पास गुरु बोल के देखता है तो उसको लगता है कि भाई वो गुरु से अपने को ओवरऑल लाइफ में जो भी जरूरी है वो सब चीज़ें मिले। हम लोग आज वैल्यू एडिशन करना सोचते हैं। मैंने परसों मेरे इंटरमीडिएट के बैच में पूछा कि कितने लोग बैंक का क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम जानते हैं? चेक देना सब लोग जानते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को भी, आप बच्चों को भी पूछता हूँ जो स्टूडेंट्स बैठे हुए, कि चेक देना आप जानते हो? समझो एक्सपर्ट की फीस आपको भरनी, आपने चेक दे दी, अब वो चेक हमारे अकाउंट में जमा होके फिर वो क्लियर होता है, और ये तो एक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम कितने लोगों को परफेक्टली पता है कि कैसे काम करता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर? कोई भी नहीं। आप तो अभी जस्ट सीपीटीएन फाउंडेशन के बच्चे हो, मैं इंटर के बैच में पूछा था, ये इंटर के भी बैच का एक भी बच्चा नहीं जानता कि ये कैसे होता है, क्या सिस्टम है। मैंने पूछा कि क्लियरिंग हाउस जो है जहां सेटलमेंट्स होते हैं, ये क्लियरिंग हाउस कौन रन करता है? 100% स्टूडेंट्स ने आंसर दिया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो गलत आंसर है। मालूम ही नहीं है ना, मालूम ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये मालूम रहना चाहिए या नहीं? डे टू डे का काम है ना ये अपना। अब ये वैल्यू एडिशन तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सवेरे 7 से शाम में 8 बजे तक बच्चा क्लास में बैठा है, मैं कैसे वैल्यू एडिशन दूं उसको? है वही चीज नहीं हो रही। अच्छा, स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स, आप सब लोग मेरे साथ एक बात को एग्री करोगे, क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं,
मैं तो टीचर हूं ना यार, 15 साल हो गए ना इसमें, मेरी तो पूरी आधी लाइफ गए जैसे गई ना इसमें। हाँ तो मेरे को तो आता ही है, इसीलिए तो तुम भी मेरे सामने आके बैठे हो। तो मैं जब क्लास में पढ़ा रहा हूं तो भाई मैं बता रहा हूं तेरे को, ये ऐसे ऐसे होता है और ये ऐसे ऐसे है, राइट? दैट इज नॉट एजुकेशन, दैट इज नॉट नॉलेज गेनिंग। नॉलेज गेन कब होगा? जब आप खुद बैठोगे और ट्राई करोगे और तुमको आने लग जाएगा तब। मैं क्लास में तुम्हारा 100% पूरा सब कुछ करा लूंगा, करा लूंगा बोल तो मैं कर रहा हूं, बच्चा कर रहा है कि नहीं, ये कंक्लूजन पे कब आएंगे हम? ये तभी हो पाएगा जब आप खुद वो चीज ट्राई करोगे। स्टार्ट स्टार्ट में बहुत गुस्सा आता था मेरे को क्लास में, होमवर्क नहीं किया तो मैंने बाहर निकाला हुआ है कई बार, फाउंडेशन के बच्चे तो जानते भी है, सीपीटी में भी हुआ हुआ एक दो बार कि मैंने बाहर निकाल दिया होमवर्क नहीं किया तो। लेकिन फिर जब मैं अपने आप को लेके बैठता हूँ, अकेला बैठता हूँ, सोचता हूँ कि यार मैंने बच्चों को आज बाहर निकाल दिया, बट बच्चों की क्या गलती है? मैं अगर उनकी जगह रहूंगा तो क्या होगा? सवेरे 7 से रात में 8 वो यहाँ पे है, सवेरे 5:30-6 बजे वो बच्चा उठा हुआ है, 8 बजे घर पे जाने के बाद में उसको नेक्स्ट डे सवेरे फिर से आना है, कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि मेरा बच्चा भी रहेगा तो करेगा क्या? हो पाएगा क्या? ये नहीं हो पाएगा। तो ये रूट कॉज में जब जाके देखा ना, तो जो क्लासेस का अननेसेसरीली टाइमिंग बढ़ गया। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि पहले से क्लासेस इतने टाइमिंग के थे, ये पिछले 2-4 साल की डेवलपमेंट है, ये पिछले 2-4 साल की डेवलपमेंट है। इसके पहले के शेड्यूल्स अगर आपको चाहिए तो मैं निकाल के दिखा सकता हूं, निकाल के दिखा सकता हूं। मैं जब स्टूडेंट था तब की तो मैं बात करूंगा ही नहीं। मेरे टाइम तो दिन में सिर्फ 2 घंटे क्लास होते थे, कि तो आर्टिकलशिप मेरे साथ में था, इंटरमीडिएट के साथ आर्टिकलशिप था मेरे टाइम, तो मैंने तो ऑफिस भी किया, क्लास भी किया, पढ़ाई भी की है, तो 2 ही घंटे क्लास होता था दिन भर में। तो यार खुद का दिमाग लगाने का बहुत इंपॉर्टेंट, वहां पे टाइम मिल जाता था। साउथ में इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्यों हैं? उसका रीजन आप जानते हो कि साउथ के चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे ज्यादा है। ऑब्वियसली वहां का बेसिक एजुकेशन भी बहुत अच्छा है, अगर हम तमिलनाडु केरला की बात करें तो लिटरेसी रेशियो भी बहुत ज्यादा है और वहां का एजुकेशन बहुत अच्छा है बेसिक से। तो वहां के चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे ज्यादा होने का कारण क्या है आपको पता है? जहां पे अकाउंट्स में, समझो पुणे की बात करें तो हम 180 घंटे पढ़ाते हैं इंटरमीडिएट का अकाउंट ग्रुप 1 का, 180 आवर्स, 150 to 180 आवर्स। वहां पे 70 घंटे में अकाउंट्स का क्लास कंप्लीट होता है, 70 आवर्स, एंड फिर भी वहां का पासिंग रेशियो सबसे ज्यादा है। द रीजन बिहाइंड दैट बीइंग दो स्टूडेंट्स गेट टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। बेटा सच्चे सच्चे बताओ कि आप में से कितने लोगों ने, जेन्युइनली बताने का, झूठ नहीं बोलना, कितने लोगों ने रेफरेंस बुक्स रेफर किए फाउंडेशन में, सीपीटी में? रेफरेंस बुक्स मैं जानता हूं एक ने भी नहीं किया है, क्यों? तो क्लास में हम जितना बोल रहे हैं ना, अरे इतना कर लिया ना सर ने बोला था, हो गया। बट इज दैट सफिशियंट फॉर सीए कोर्स? आंसर इज नो। बट फिर बात ये आती है कि सर ये सब आप बोल रहे हो, ये होगा कैसे? रेफरेंस बुक्स है, आएंगे कहां से? ये दिशा तो दिखानी पड़ेगी ना, इसीलिए ये पूरा रिस्ट्रक्चरिंग किया है, दैट्स व्हाई दिस होल रिस्ट्रक्चरिंग हैज बीन डन। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज का और एक प्रॉब्लम, सब्जेक्ट वाइज का, समझो आप मेरे पास अकाउंट्स के क्लास में है, अब कुछ इमरजेंसी है या मेरे घर में शादी है या जो भी है, हर एक के घर में होता है इमरजेंसी, तो कभी भी आ सकता है, और मेरे को 8 दिन की छुट्टी देनी है। अब 8 दिन की छुट्टी मस्ट है मेरे को देना, सब्जेक्ट वाइज का क्लास है, वो 8 दिन पूरे बच्चों के वेस्ट गए। वो टाइमिंग सवेरे समझो 9:15 से 11:30 मेरा अकाउंट्स का क्लास है, 9:15 से 11:30। अभी 9:15 से 11:30 का क्लास मैं अगर नहीं हूं तो मेरी जगह दूसरा प्रोफेसर आ ही नहीं सकता, क्यों? सब्जेक्ट वाइज है ना, तो वो 8 दिन वेस्ट हो गए बच्चे के। भला वो ऐसा भी नहीं है कि बच्चा 2.25 घंटे वो जो फ्री मिल रहा है उसमें पढ़ाई करता है, वो तो ये बोलता है कि यार चलो यार बीच में गैप आ गया, एक दिन शनिवार बढ़ा गए, राइट, एक दिन मिसल खाने कहीं चले गए, एक दिन चलो ये इधर किधर तो कुछ तो खा अच्छा मिलता है वहां जाके आ जाते, 8 दिन वेस्ट हो गए। ये सब चीजें डिस्कस करने के बाद हम कंक्लूजन पे आए कि इसका सॉल्यूशन जो है एक ही है, और वो है लेट द स्टूडेंट स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स अंडर 1 रूफ, एक ही बैनर के अंडर, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सभी सब्जेक्ट बच्चे पढ़े, सभी सब्जेक्ट पढ़े। देखो उसके बेनिफिट क्या है, मैं आपको बताता हूं एक एक। टाइमिंग्स, क्लास टाइमिंग जो सवेरे 7 से शाम में एक्स्ट्रा लेक्चर्स के केस में 8 बजे तक जा रहा था, 8 बजे तक जा रहा था,
that timing is reduced drastically. It will be now 7 to 3:30 only. 7 to 3:30 ही class timing रहेगा. After 3:30 you will be free for your self studies and everything. मैं अगर उस तरफ रहता तो एक doubt आएगा parent बोल के मेरे mind में कि sir 3:30 के बाद में बच्चा homework करेगा, इसका guarantee आप कैसे लोगे? जाहिर सी बात है. अब अच्छा ये एज है नहीं कि फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे की मार के बैठा दिया मैंने बैठकर घर पे. पेरेंट्स ये प्रॉब्लम जानते हैं कि बच्चे आजकल बहुत मुश्किल है हैंडल करना. फिर वो घर पे जाके सेल्फ स्टडी करेंगे, इसकी गारंटी कैसे आएगी? उसका भी सोल्यूशन हमने ढूंढा है कि क्लास टाइमिंग विल बी 7 to 3:30. 3:30 to 5:30 स्टूडेंट इज नॉट अलाउड टू लीव द एकेडमी. एकेडमी से आप बाहर नहीं जा सकते. आपका कोचिंग खत्म हो जाएगा 3:30 को, बट 3:30 से 5:30 आप एकेडमी के बाहर नहीं जा सकते. आपको क्लासरूम में ही बैठना पड़ेगा. क्लासरूम में बैठ के उस दिन जो भी होमवर्क दिया गया है, वो होमवर्क आपको यहीं पे बैठ के क्लास में कंप्लीट करना पड़ेगा, विच विल बी मॉनिटर्ड बाय प्रोफेसर्स. इट विल बी मॉनिटर्ड बाय प्रोफेसर. कोई ना कोई प्रोफेसर मॉनिटर करेगा ये सब चीजें. तो क्लास स्टार्ट होगा सवेरे 7 बजे, 3:30 बजे तक क्लास रहेगा. 3:30 से 5:30 वो बच्चा क्लास में ही डेली बेसिस पे बैठेगा, डेली बेसिस पे. और उसके बाद 5:30 बजे वो फ्री हो गया. 5:30 के बाद में वो घर पे आके पढ़ाई नहीं भी किया ना तो हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि तो हमारा पर्पस सर्व हो रहा है. उसने सेल्फ स्टडी करनी चाहिए. बहुत सिंपल है कि कोई चीज़ वो सॉल्व करते बैठा है, अभी अकाउंट्स का कोई सम उसने लिया और सॉल्व करते बैठा है, एंड वो कहीं जाके अटक जाता है ना, तो तब ध्यान में आता है कि अपने को प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है. अगर वो होमवर्क करेगा ही नहीं तो अपन कहाँ अटक रहे ये भी समझ में नहीं आता. और जो जो अभी तक का कल्चर चलते आया हुआ है या जो स्ट्रक्चर चलते आया हुआ है उसमें उसको होमवर्क को टाइम ही नहीं मिलता है. तो जो ऐसे बच्चे जो करना चाहते लेकिन टाइम नहीं है, उनका भी नुकसान हो रहा है. तो अब जब वो 3:30 से 5:30 में होमवर्क करेगा यहाँ पे बैठ के, तो उसके कॉन्सेप्ट्स वहीं पे क्लियर होने शुरू हो जाएंगे. 5:30 बजे होमवर्क कंप्लीट करो एंड देन यू लीव द क्लास. यू आर फ्री फॉर योर ओन थिंग्स. आज अपन न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, कोई ना कोई न्यूज़पेपर में इसके ऊपर आर्टिकल है कि बच्चे यंग जनरेशन जो है हेल्थ के पास ध्यान नहीं दे रहा है, उनको फिजिकल एक्सर्शन के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम ही नहीं मिलता है. बहुत अच्छे बच्चे ऐसे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको फुटबॉल बहुत पसंद है, जो खेलना चाहते हैं, टाइम कहाँ है सीए में आने के बाद? वेयर इज द टाइम? 7 से 8 क्लास करो, रात में 8 के बाद में और 2-3 घंटे का होमवर्क करना है अपने को. फुटबॉल के रात में 12 बजे खेलने जाएंगे, और रात में 12 बजे गए भी खेलने को तो सवेरे वापस 5:30 बजे उठ के 7 बजे के क्लास को तो आना ही है. तो 5:30 बजे अगर बच्चा फ्री हो जाता है तो उसके बाद में उसके पास फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी टाइम मिलेगा, क्यों तो उसकी पढ़ाई हुई हुई रहेगी, सेल्फ स्टडी भी हुई हुई रहेगी. एक डाउट और एक पेरेंट बोल के मेरे दिमाग में आता है कि सर फिर 7 से 3:30 में आप बोल रहे हो तो उस हिसाब से फिर सर आप कम पढ़ाओगे क्या? टाइमिंग कम हो गया तो कम पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द सिलेबस. इसको काइजन टेक्नोलॉजी बोलते हैं. काइजन जापानीज टेक्निक है. काइजन का मतलब होता है यू गो ऑन रिड्यूसिंग योर लॉसेस. तुम्हारे लॉसेस तुम कम करते जाओ, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा. पहले अगर लॉस तुम्हारा 10% था तो ट्राई टू रिड्यूस दैट लॉस ऑफ 10% सो दैट लॉस कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा. 2 लेक्चर के बीच का जो 20 मिनट का इश्यू था वो 20-20 मिनट ऐसे 3 गैप थे 4 लेक्चर के बीच में, तो ये 20-20 मिनट 1 घंटा तो स्ट्रेट अवे यहीं सेव हो गया, यहीं सेव हो गया, राइट? उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि मैं अगर नहीं हूं 4 दिन नहीं हूं तो मेरे 4 लेक्चर ऑफ जाते थे स्ट्रेट अवे, अब वो ऑफ नहीं जाएंगे. मैं नहीं हूं तो प्रशांत सर आ जाएंगे, उनके सब्जेक्ट के वो डबल क्लास लेंगे उस दिन. तो तुम्हारा लॉस हुआ क्या उसमें? तुम्हारा लॉस हुआ क्या? नहीं हुआ. फिर कल को जाके जब प्रशांत सर नहीं रहेंगे तो उनके लेक्चर्स मैं डबल लूंगा. तो इसमें बच्चों का अल्टीमेटली नुकसान है क्या? नहीं है. तो यू विल बी गेटिंग द सेम क्वालिटी टीचिंग, सेम सिलेबस. कहीं सिलेबस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता. 7 से 3:30 में वही सब चीजें होंगी जो आज 7 से 8 तक होती थी. बेसिकली फोकस्ड एफर्ट्स बहुत जरूरी है. यहां पे हम क्यों हैं, यहां हम क्यों आए हैं और कितना कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं, इसका अंदाजा बच्चों को भी आना जरूरी है. क्लास में मैं रोज तुमको एंटरटेन करूं
और तुमको खुश रखूं, ये बेटर है या आपको जो जरूरी नॉलेज देना है वो उतना मैं दे रहा हूं विदाउट एंटरटेनिंग यू, ये डिसीजन आपका है। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप क्लास में एंटरटेनमेंट करना ही नहीं चाहिए। ऑब्वियसली अपना लाइफ ऐसे एकदम डिसिप्लिन तरीके से भी जा नहीं सकता, बट प्रायोरिटीज तो डिफाइंड होने चाहिए ना। अपनी प्रायोरिटी करियर है या एंटरटेनमेंट है ये डिसाइड करो। अगर करियर अगर प्रायोरिटी है तो उसके साथ में फिर सेकेंडरी प्रायोरिटी अपनी एंटरटेनमेंट भी है, उसका भी अपन केयर करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन पहला अपना प्रायोरिटी शुड बी करियर, करियर एंड करियर। फोकस अपना सिर्फ करियर पे चाहिए। तो 7 से 3:30 में क्लास कंप्लीट करो, क्लास के बाद में 3:30 से 5:30 होमवर्क यहीं बैठ के कंप्लीट करो। एंड बिलीव मी, ये अगर होने लग गया ना 3:30 से 5:30 में होमवर्क और सेल्फ स्टडी, अपने आप एक कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, अपने आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। एंड वो टाइम दूर नहीं जब आप मेरे को आके बोलोगे कि सर ये टॉपिक हमारा सेल्फ का करके हो गया सर, जम रहा है सर, अभी हमको रेफरेंस बुक्स बताओ सर हम जिसमें से पढ़े। और जिस दिन आपने रेफरेंस बुक्स लेके पढ़ना स्टार्ट किया, आई एम श्योर लाइफ में आप बहुत बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। क्यों? तो फिर आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई बाकी लोगों पे से। ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं टीचर ने मेरे को मालूम नहीं, लेकिन इतने भी डिपेंडेंट मत बनो कि आपका करियर मैं डिफाइन करूं। कल को जाके मैं अगर कुछ गलत भी करता हूं, गलत भी सिखाता हूं, तो तुम्हारा लाइफ रुकना नहीं चाहिए ना। तो उसके लिए तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। तो रेफरेंस बुक्स से पढ़ने की भी आदत लगानी पड़ेगी। कुछ चीज़ें हमने ये सब दिमाग में रखते हुए डिसाइड की है। पेरेंट्स को पर्टिकुलरली मेरे को ये समझाना है, आप सब लोगों के पास प्रॉस्पेक्टस है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस पेज पे आए, ग्रीन कलर का एक पेज है। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिखे जो शायद ये रीस्ट्रक्चरिंग क्यों हो रहा है इसका जस्टिफिकेशन बोल के भी आप समझ जाओगे। पहले 2 पॉइंट्स तो ठीक है, इंट्रोडक्टरी सेमिनार्स वी कंडक्ट विथ गाइडेंस फॉर आईसीएफ फॉर्मेलिटी, जो आज हो भी रहा है मैंने आपको बताया। स्टूडेंट फ्रेंडली सब्जेक्ट वाइज स्टडी नोट्स, ये तो पहले भी थे, ये पहले भी थे, आगे कंटिन्यू भी हो रहे, पहले के भी स्ट्रक्चर में ये थे ही स्टडी नोट्स। तो डेली सेल्फ स्टडी सेशंस इन क्लास आफ्टर क्लास आवर्स, ये जो अभी हमने बात की, कंपल्सरीली बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी कंपल्सरीली। एंड एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा और पेरेंट्स मेरे साथ एग्री करेंगे इस बात को, किसके लाइफ में कब टर्निंग पॉइंट आएगा यू नेवर नो। कई बार बच्चे बहुत कैजुअल होते हैं, बट कई बार ऐसे कुछ हो जाता है कि ड्रास्टिक चेंजेस हो जाते हैं। मेरे को नाम लेने में भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत खास स्टूडेंट है, चिराग बोल के, सीए हो गया है वो, सीए चिराग, बहुत कैजुअल था। सीपीटी में मेरे पास आया था, तब सीपीटी का एक अटेम्प्ट फेल होके आया था, फेल, और बहुत मस्ती करता था ऐसे, बस बहुत कैजुअल एटीट्यूड था। बट पता नहीं क्या टर्निंग पॉइंट आया, एंड ही बिकेम सो सीरियस। इंटरमीडिएट के अकाउंट्स में उसका स्कोर आउट ऑफ 184 था सीए के एग्जाम में, 84 मार्क्स, ग्रुप टू में 87 मार्क्स थे एडवांस अकाउंट में। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है, खुद का प्रैक्टिस कर रहा है, बड़ा सारा ऑफिस स्टार्ट किया उसने, मस्त। तो क्लास आवर्स के बाद में सब दोस्त बैठ के पढ़ रहे हैं और कंपल्शन है, सर ने भी बैठा है, ये बोला ही है, सर मॉनिटर कर रहे हैं, बच्चा बैठना सीख जाएगा और आदत लगेगी। कोशिश तो होनी चाहिए ना, कोशिश तो होनी चाहिए, हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। वीकली टेस्ट, पहले के शेड्यूल में वीकली टेस्ट पॉसिबल ही नहीं थे। कब ले टेस्ट? मेरे को टेस्ट लेना है, कब लूँ? सवेरे 7 से 5:30 तक तो पक्का क्लास है, शाम में 6 बजे तक। एक्स्ट्रा लेक्चर नॉर्मली हफ्ते के आखिरी 2-3 दिन एक्स्ट्रा लेक्चर पक्का रहते हैं, पक्का 6 से 8। आप पहले के स्टूडेंट से कंफर्म कर सकते हो ये बात, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो बाकी के पहले के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप बात कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो एक्स्ट्रा लेक्चर होते या नहीं। तो 6 से 8 भी अगर वो बच्चा बिजी है, मैं टेस्ट कब लूँ? टेस्टिंग हुए बगैर तो आगे जा ही नहीं सकते हम लोग। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 साल में टेस्टिंग सिस्टम ही बंद हो गया है, टेस्ट ही नहीं हो पा रहे। वी हैव डिजाइंड अ टेस्ट प्लान विच यू विल गेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द बैच। पहले ही दिन आपको डेट वाइज, टाइम वाइज, सिलेबस वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का शेड्यूल मिलेगा, उस हिसाब से ही टेस्ट आपके होंगे। पेरेंट्स भी ये चेक करना, और नहीं हुआ ये तो आप आके मेरे को पूछ सकते हो, आई एम आंसरेबल टू यू कि सर आपने बोला था ना ये हुआ नहीं है। तो सब्जेक्ट वाइज, डेट वाइज, टाइम वाइज, सिलेबस वाइज टेस्टिंग का पूरा शेड्यूल रेडी है आज हमारे पास।
वो पहले दिन आपको दिया जाएगा, वो हिसाब से आपके के वीकली टेस्ट कंपल्सरीली होने ही होने हैं। संडे नॉलेज बूस्टर सेशन से अगला पॉइंट, ये जो वैल्यू एडिशन की मैं बात कर रहा था कि वैल्यू एडिशन कैसे होगा बच्चों में, आर्टिकलशिप में जाते हैं कुछ तो प्रैक्टिकल चीज़ें पूछ ले पूछते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ पूछी तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि उसको कैसे टैकल करें, क्यों तो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेके हम आए हैं और इतने मैकेनिकल बन चुके हैं हम लोग कि थोड़ा सा भी अगर कुछ वेरिएशन आया ना, अलग कुछ पूछा गया ना, तो हम दिमाग लगाना बंद कर देते हैं। एक छोटा सा जोक है, मालूम भी रहेगा, मैंने क्लास में तो कई बार समझाया हुआ है कि इतने मैकेनिकल हो चुके हैं हम, सिर्फ सामने जो दिख रहा है सर जो बोल रहे हैं उतना ही, अपने को बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। ऐसा एक बच्चे ने ड्राइविंग क्लास लगाया और उसके टीचर ने उसको सिखाया बहुत अच्छे से और ड्राइविंग क्लास कंप्लीट हो गया, फिर वो गाड़ी लेके निकला बाहर। टीचर ने बोला था कि ऑन करके इग्निशन, राइट, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, एक्सलेटर दोगे तो गाड़ी आगे जाएगी, सामने कुत्ता आया तो ब्रेक दबा देना तो गाड़ी रुक जाएगी। निकला पहले दिन, फर्स्ट क्लास सब चल रहा था, कुत्ता आया सामने, याद आ रहे सर ने बोला था ब्रेक दबाना है, ब्रेक दबाया, रुक गई गाड़ी, कुत्ता निकल गया, फिर एक्सीलेटर दिया आगे चला गया। नेक्स्ट डे निकला, यही चीज फॉलो ऐसे ही हुआ सब कुछ, सामने गधा आ गया। अब हो गया ना प्रॉब्लम, कुत्ता आया तो ब्रेक दबाना बोला था, गधा आया तो क्या करना, ये कहां बताया। जोक्स अपार्ट, दिस वॉज ऑन अ लाइटर नोट, बोलने का मतलब ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम ना क्लेरिकल सिस्टम में जा रहे हैं और सीए में क्लेरिकल सिस्टम वर्क नहीं हो सकता, तुम्हारी खुद की थिंकिंग एबिलिटीज भी बढ़ने चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि संडे विल बी कंपल्सरी ऑफ फॉर क्लासेस। क्लासेस नहीं होंगे संडे को, संडे विल बी फ्री, क्लासेस नहीं है, लेकिन संडे को मिनिमम 1.5 से 2 घंटे का एक वैल्यू एडिशन लेक्चर रहेगा। वैल्यू एडिशन लेक्चर विल बी आइदर बाय एनी ऑफ द प्रोफेसर्स और वी विल कॉल सम गेस्ट फैकल्टी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी हम यहाँ पे बुलाएंगे, हु विल गाइड यू विथ सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच इज रिलेवेंट फॉर योर कोर्स, तुम्हारे कोर्स के जो रिलेवेंट है। जैसे मैंने अभी जो बात बोली कि क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, एक जस्ट एक एग्जाम्पल है जो दिमाग में आया परसों सिखाते वक्त। बैंकिंग सिस्टम में कई सारी चीजें हैं जो अपने को मालूम नहीं रहती थ्योरेटिकली, बट बैंक्स में तो डे टू डे बेसिस पे अपने को डील करना पड़ता है, तो उसके ऊपर अपना सेशन हो सकता है। स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन स्टॉक मार्केट का एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉलेज होना तो जरूरी है ना, तो उसके लिए अपन लेक्चर्स रख सकते हैं। तो ये सब चीजें कब होगी, जब टाइम मिलेगा तब। अगर अभी जो स्ट्रक्चर चलते आ रहा है पिछले 4-5 सालों में, उसमें तो संडे को भी सवेरे 7 से शाम में 5:30 तक क्लास है। फॉर पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, हमने भी पिछले बैच तक ये लिया हुआ है, संडे को भी हमने लेक्चर्स लिए हुए हैं। अभी ये तो चीज आप भी अच्छे से जानते हो कि हफ्ते के 7 दिन अगर इतना ऐसा एग्जॉस्टेड शेड्यूल रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा उसमें से, आउटपुट तो है ही नहीं। प्रोफेसर्स का, स्टूडेंट्स का भी नहीं, प्रोफेसर का भी नहीं, हम भी इंसान ही है, हमको भी एक दिन का ब्रेक जरूरी होता है, तो मंडे को वो इफिशियंसी वापस रहती है पढ़ाने की। तो संडे विल बी कंपल्सरीली ऑफ, बट 1.5 से 2 घंटे का एक लेक्चर रहेगा जो वैल्यू एडिशन लेक्चर रहेगा, जिसमें पढ़ाई का स्ट्रेस कुछ नहीं रहने वाला, राइट, बट अपने कोर्स के रिलेटेड जो भी वैल्यू एडिशन होने हैं वो लेक्चर जरूर आपको अटेंड करने पड़ेंगे। वो अटेंड करना कंपल्सरी होगा, वो ऑप्शनल नहीं है। हाँ, किसी को गाँव गए, कभी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो तो फिर रेगुलर बैच भी मिस हो सकती है, बीमार पड़ गए तो, बट संडे है वो वैल्यू एडिशन लेक्चर जरूरी नहीं बोल के नहीं आए, ऐसे नहीं चलेगा। फोकस्ड फील्ड ट्रिप्स एंड इंडस्ट्रियल विजिट्स, ये चीज़ भी जरूरी है, आर्टिकलशिप में तो नॉर्मली होती है, बट अब हमने ये डिसाइड किया कि अपन एकेडमी लेवल पे भी ये करेंगे कि एक्चुअल जाके पेरोल सिस्टम समझ के आओ कोई कंपनी का। अब हम सब लोग इतने सालों से ये टीचिंग फील्ड में हैं, हमारे कॉरपोरेट्स के साथ भी जो कॉन्टैक्ट्स है वो कॉन्टैक्ट्स हम भी सोचे कि क्यों ना अपन एक्सप्लॉइट करके बच्चों तक वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी पहुँचाए। तो हर बैच में एटलीस्ट मिनिमम एक, वी विल ट्राई फॉर मोर, बट एटलीस्ट एक फील्ड ट्रिप इंडस्ट्रियल विजिट कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनाइज पक्का करेंगे। फोकस्ड अटेंशन एंड असाइन मेंटर्स, आजकल क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स रिसोर्सेज तो आप बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हो, बट वो रिसोर्सेज का सही में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना भी उतना ही जरूरी है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये खिलौना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम।
पुराने जो स्टूडेंट्स एक्सपर्ट के वो तो जानते हैं कि अपने पास रूल क्या है। क्लासरूम में अगर मोबाइल बच्चे के हाथ में दिखा, वो स्विच ऑफ भी रहा, तो हम ले लेते और बैच खत्म होने के बाद वापस देते हैं। मेरे कैबिन में आप अभी भी आ सकते हो टेस्ट चेक करना है तो, मेरा लॉकर खोल के, मेरा ड्रॉवर खोल के देखो आप, उसके अंदर आपको कई सारे मोबाइल दिखेंगे जो मेरे नहीं है। क्लास में मोबाइल यूज़ किया है या बजाए बोल के लिया हुआ है, क्यों? तो ये ज़रूरी है नहीं क्लासरूम के अंदर। इसके ऊपर कुछ लोगों के आर्ग्यूमेंट्स आए थे कि सर इमरजेंसी रह सकता है, कुछ रह सकता है। एक्सपर्ट के ऑफिस का नंबर 24/7 चल रहा है, लैंडलाइन नंबर, और वो भी लैंडलाइन नंबर है, आउट ऑफ कवरेज वगैरह जाता नहीं लैंडलाइन। तो आप किसी भी टाइम पे आप फ़ोन करो, आप बोलो कि इमरजेंसी है, ये बच्चे को ये मैसेज पहुंचाओ। विद इन 60 सेकेंड्स, एक मिनट के अंदर आपके बच्चे तक वो मैसेज पहुंच जाएगा। क्यों? तो ये एक्सक्यूज दे के अगर मोबाइल यूज हम क्लास में अलाउ करें तो फिर वो डिस्ट्रैक्शंस कैसा है मोबाइल का, ये शायद मैं बोलना गलत हो जाएगा, मेरे से ज़्यादा बेहतर तो पेरेंट्स सब जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उसके। मेरे तो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, बट अब आप लोगों के तो बच्चे भी बहुत बड़े हो गए, तो आप तो जानते हो कि इसके प्रॉब्लम्स कितने हैं। तो मोबाइल और ये सब चीज़ों के प्रॉब्लम्स, पबजी, दो क्लास के ब्रेक के बीच में पबजी खेलते बच्चे। कल फाउंडेशन का स्टूडेंट, मैं पीछे जा रहा था, तीन चार लोगों का ग्रुप, उनका ध्यान नहीं कि सर आ रहे, क्यों? तो तीनों चारों मोबाइल में बिजी थे, मेरे को डाउट आया। मैं ऐसे ही जस्ट उनको बिना डिस्टर्ब किए ऐसे दूर से थोड़ा सा झांक के देख रहा था, तो पबजी वहीं पे फटका दिया वो जिसके हाथ में मोबाइल था, मेरे सामने मैंने उसको अनइंस्टॉल करने लगाया। फाउंडेशन का स्टूडेंट है अभी का, जो ऑनगोइंग बैच है, मेरे सामने अनइंस्टॉल कर बोला, और अगर वापस दिखाते रहे मोबाइल में तो याद रख बोला एडमिशन कैंसिल कर दूंगा। सर ये डिस्ट्रैक्शन से, फिर अब इसके ऊपर कंट्रोल किया तो मेंटरिंग उनका बहुत जरूरी है। रेगुलर बेसिस पे मेंटरिंग होगा तो ये चीज़ें ध्यान में आएगी। सात लोग हम, सात प्रोफेसर है इंटर के टीम में, सात के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हर साल 3,000-3,000 बच्चे हम इस एकेडमी में पढ़ाते हैं, तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस जब अपने साथ में है तो क्यों ना इस एक्सपीरियंस को हम यूज़ करते हुए बच्चों को सही लाइन दिखाए, राइट? तो वी प्रोफेसर्स विल बी डिवाइडिंग द होल बैच इन इक्वल नंबर्स, लगभग सबके लिए इक्वल नंबर्स हो, इस तरीके से डिवाइड होंगे, एंड दैट टीचर विल बिकम योर पेरेंट टीचर। तो पेरेंट्स को भी अगर कभी आपके बच्चे के बारे में जानना है तो आप उस टीचर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको जब चाहिए तब वो लिस्ट मैं आपको दे दूंगा कि कौन सा बच्चा कौन से टीचर के अंडर है, एंड दैट टीचर विल टेक केयर ऑफ दो स्टूडेंट्स। व्हाट्सअप बुरा नहीं है, उसका यूज कैसे करते उसके ऊपर है। व्हाट्सअप ग्रुप में अगर वो स्टूडेंट्स और पेरेंट आते हैं तो उसका इफेक्टिव यूज भी हो सकता है। वो पेरेंट मतलब वो टीचर अगर आता है, टीचर पेरेंट, तो उसका इफेक्टिव यूज भी हो सकता है। मैंने सीपीटी के बैच में बताया था, इसका बड़ा भाई है अनूप शाह, फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उस बच्चे ने मेरे को ये आइडिया दी थी। हम पिकनिक लेके गए थे बच्चों की, और पिकनिक से आते वक्त मैं उसके बाजू में बैठा था, और उसने मेरे को एक व्हाट्सअप ग्रुप दिखाया, उसमें उसके तीन चार दोस्त थे मेरे बैच के सब, और उसने जो चैट दिखाया मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप का, आई वॉज शॉक्ड कि यार क्या, तो पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा। डेली मैं जो होमवर्क देता था ना, वो होमवर्क के सॉल्यूशंस हमने क्या क्या किए वो एक दूसरे को बताते थे, उस पे डालते थे फोटो निकाल के, और फिर डिस्कस करते कि नहीं ये एडजस्टमेंट ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये एडजस्टमेंट ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। व्हाट्सएप का यूज कैसे करना है अपने हाथ में। देखो टेक्नोलॉजी बनी है तो यूज तो होगा, बट उसका सदुपयोग करना है कि क्या करना है ये तो अपने हाथ में है। तो मेंटर्स बनेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये सब इनोवेटिव चीजें हमको लानी पड़ेगी। सोशल मीडिया का जो यूज होना चाहिए वो यूज हम करेंगे, वो यूज हम करेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देखने को है, उसमें वैल्यू एडिशन लेक्चर्स भी है, बट वो कहां देखते हैं हम लोग। बच्चों को कबीर सिंह पसंद आने लग गया है, बच्चों को संजू पसंद आता है, बट मोटिवेशनल कोई स्टोरी देखने का बोला तो नहीं बोलते बच्चे। ये दुर्भाग्य है खराब, पण ऍटलीस्ट कुठेतरी सुरुवात झाली पाहिजे या गोष्टींना अवॉइड करण्यासाठी। म्हणजे कबीर सिंग बनल्यानंतर तर डोकंच काम करत नाही आणि मुलांना आवडतंय, काय त्याचे रिव्ह्यूज आहेत आणि मुलं काय हॅपी आहेत ते बघून काय मेसेज देतोय आपण। कुठे ना कुठे मेंटरिंगची आवश्यकता आहे। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, डोंट मिसअंडरस्टँड, चुकीचा अर्थ नका काढू मी काय बोलतोय, बट मेंटरिंग क्या हो रहा है आजकल, माँ बाप का थोड़ा सा नहीं बोला तो भी बच्चे नहीं सुन रहे। ये प्रॉब्लम इन जनरल है, किसी एक का है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं वो टीचर का इम्पैक्ट, जो टीचर का जो पकड़ा है ना त्याच्यावर, तो खूप है। तो त्याच्यामुळे ना आम्ही हे डिसिजन घेतला की थोड़ा सा वेळ आम्हाला जास्त द्यावा लागेल, बट वी विल गो फॉर मेंटरिंग।
वी विल बी मेंटरिंग द स्टूडेंट्स एंड जो भी है, समझो सीए कोर्स में आने के बाद में मेरे को ध्यान में आता, मैं मेंटर हूँ किसी का, मेरे को ध्यान में आता है कि नहीं कर पा रहा है वो, तो बहुत टाइम वेस्ट नहीं किया हुआ अच्छा इसमें, तो वी कैन गाइड कि ठीक है यार ये कोर्स अपने लिए मे भी नहीं है तो हम कुछ और कर सकते हैं। देखो हमारे लिए तो क्या ये बिजनेस है समझो हम कर रहे हैं, राइट, बट बच्चों का तो करियर है ना, हम उनका भविष्य दांव पे नहीं लगा सकते, तो बहुत जरूरी है कि मेंटरिंग भी प्रॉपरली हो। टाइमली फीडबैक एंड काउंसलिंग सेशंस, ऑब्वियसली इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ मेंटरशिप। पेरेंट इंटरेक्शन, आपके साथ रेगुलर इंटरेक्शन हमारा रहेगा, ये सब चीज़ें करोगे तो आप भी हमारे टच में रहोगे, राइट, आपके लिए भी हम पेरेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी, एटलीस्ट एक बैच में एक बार तो हम लोग चाहेंगे हम आपसे मिले, हम आपको भी आइडिया दें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको भी थोड़ा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहे कि सीए इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, राइट। टाइमली कंप्लीशन ऑफ बैचेस, आई थिंक एक्सपर्ट में तो ये कभी इशू रहा भी नहीं है, एक्सपर्ट के बैचेस कभी एक्सटेंड नहीं होते, जो भी है विद इन गिवन टाइम फ्रेम हम लोग बैचेस कंप्लीट करते हैं। पुराने स्ट्रक्चर में अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता था कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में 15-15, 20-20 दिन बैचेस एक्सटेंड हो रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, जो भी है अपने पास ये चीज़ आज तक भी नहीं हुई, इसके आगे भी नहीं होगी, वी विल नेवर नेवर कॉल स्टूडेंट्स अननेसेसरीली फॉर अवॉइडेबल थिंग्स, हम ज़्यादा नहीं बुलाएंगे, राइट, सो वी विल टेक केयर दैट द बैचेस विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। हैंड होल्डिंग एंड स्टडी प्लानिंग, मेंटरिंग में ये भी चीज़ कवर होनी है कि स्टूडेंट वाइज स्टडी प्लानिंग भी देना उतना ही ज़रूरी है। फ्री टेस्ट सीरीज, जो भी फीस हम आपको चार्ज कर रहे हैं ग्रुप वन ग्रुप टू की, दैट इज इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज विच इज कंडक्टेड आफ्टर यूर बैचेस आर ओवर। तुम्हारी बैच खत्म होने के बाद 3 टेस्ट होने वाले तुम्हारे, 3 टेस्ट आफ्टर यूर बैच गेट्स ओवर। तुम्हारा बैच कितने पीरियड का ड्यूरेशन का पता है आपको, ग्रुप वन ग्रुप टू मिला के 6 months। ये 6 महीने में वीकली टेस्ट जो होंगे वो तो है ही, वीकली टेस्ट है, वीकली टेस्ट की बात नहीं हो रही है, वो खत्म होने के बाद एग्जाम तक और 3 महीने का टाइम है ना, कि तो टोटल 9 महीने का ड्यूरेशन है, तो आखिरी के 3 महीने में सिलेबस वाइज 30%, 60%, 100% या 60%, 100% के दो, वो मॉडलिटीज हम डिसाइड करेंगे, वो देखेंगे अपन कैसे होता है, बट 3 tests विल बी कंडक्टेड, 3 tests आफ्टर द क्लास, उसका प्रॉपर तुमको रिजल्ट भी दिया जाएगा, चेकिंग करके पेपर्स तुमको दिए जाएंगे, वो 3 test series आपके फीस में इंक्लूडिंग है, उसके लिए अलग से फीस भरने की जरूरत नहीं है, दिस इज अदर देन योर वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट तो बैच चालू है तभी है, उसके बाद की बात मैं कर रहा हूं। टेस्ट फ्रॉम होम फॉर आउटस्टेशन स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे अपने पास बाहर गांव के ही आते हैं, तो बाहर गांव के जो बच्चे हैं उनके लिए स्टडी लीव में समझो आखिरी के 3 महीने में वो पूना नहीं रहना चाहते, वो घर रहना चाहते हैं, घर पे रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, मैं खुद भी मेरे स्टडी लीव में मैं लातूर गया था, मैं लातूर से हूँ, तो मैंने लातूर जाके पढ़ाई की थी आखिरी के 3 महीने में स्टडी लीव में, तो टेस्ट फ्रॉम होम का भी ऑप्शन अपने पास है कि हम बच्चे को यहाँ से पेपर भेज देंगे मेल के थ्रू, उसने पेपर सॉल्व करके वापस पेपर स्कैन करके आंसर शीट हमको भेजना है, हम चेक करके वापस भेज देंगे। वी हैव स्कॉलरशिप फॉर रैंकर्स, जो रैंकर्स है हमारे उनके लिए हमारे पास स्कॉलरशिप की स्कीम भी है, वो 1-to-1 जो भी रैंकर्स है वो आएंगे तो मैं उनके साथ बात करूंगा, राइट, वी डू ऑफर द स्कॉलरशिप टू द रैंकर्स। बाकी ये सब चीज़ें तो ठीक है, आर्टिकलशिप गाइडेंस तो एनीवे हम आज तक करते आए हैं, इसके आगे भी करते रहेंगे, हम लोग नॉर्मली आर्टिकलशिप गाइडेंस के लिए जो प्रैक्टिसिंग सीए उनको यहाँ बुलाते हैं, जो आपको प्रैक्टिकली गाइड करते हैं इंटरमीडिएट के बाद में कि प्रैक्टिस में बोल तो क्या होता है, बड़े फॉर्म में क्या काम होते हैं, छोटे फॉर्म में मिडिल साइज में क्या होता है, तो ये गाइडेंस भी हम बच्चों को अभी भी दे रहे हैं, वो तो ऑनगोइंग है, वो तो एक्टिविटी इसके आगे भी कंटिन्यूड रहेगा। एयर कंडीशन क्लासरूम दैट इज ओके। बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड रिपोर्टिंग टू द पेरेंट्स, वी आर वर्किंग ऑन इट, हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि देखो ये सब चीज़ें कर रहे तो इसका मेन पर्पज क्या था, मैंने पहले सबसे पहले क्या बोला, वी वॉन्ट रिजल्ट, वी वॉन्ट आउटपुट, आउटपुट चाहिए। मेजर क्राउड ऐसा हो रहा है कि कोर्स में एंटर तो हो रहा है, एग्जिट कहीं दिख ही नहीं रहा है, फिर 3 अटेम्प्ट 4 है, मैडम जैसे बता रहे थे कि मेंटेलिटी बन गई 2-3 अटेम्प्ट तो लगते ही है, ऐसा नहीं है भाई, तू फोकस्ड एफर्ट्स ले, नहीं लगते 2-3 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट में भी तो पास हो सकता है, 1st अटेम्प्ट में भी पास हो सकता है, फोकस्ड एफर्ट्स लिए तो, राइट, तो फोकस्ड एफर्ट्स के लिए जरूरी है कि जेन्युइन रीजन है तो बात अलग है, बट अदरवाइज क्लास बंक ना करे। कई बार क्लास बंक करने के लिए वो छोटे छोटे कारण भी बहुत होते हैं, विनोद सर कई बार बताते हैं, आज अगर क्लास नहीं आना है ना तो सवेरे जबरदस्ती सर दुखता है अपना, तो झूठ नहीं बोलते अपन, बट वो फील आ जाता है, अरे यार आज थोड़ा सा जड़ वाटते है ना, ऐसा होता मेरे साथ भी होता है कई बार,
मेरे को कुछ काम करना रहता है ना तो मैं एक्सक्यूज ढूंढ लेता हूं, और फिर वो एक्सक्यूज ढूंढ लेता हूं बोल तो क्या है, वो लगता है वैसे फील होता है अपने को, ये ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। कहीं ना कहीं क्लास बंकिंग और ये भी रुकाना होगा, बायोमेट्रिक वी आर वर्किंग ऑन इट कि क्लास में इन टाइम आउट टाइम उसमें होगा, सो बायोमेट्रिक के थ्रू अचीव हो सकता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जहाँ 2000 एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो अपने पास भी बिल्कुल हो सकता है, वी आर वर्किंग ऑन इट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मेरे लिए तो बहुत ऐसा ड्रीम रहे जैसा है, कई सालों से सोच रहा हूँ बट अब जाके वो इफेक्टिवली हम कर भी रहे, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज नॉट रीडिंग रूम, रीडिंग रूम नहीं, लाइब्रेरी मतलब जैसे कॉलेजेस में होता है वैसे। बच्चों को जर्नल्स पढ़ने की आदत रहनी चाहिए, बच्चों को रेफरेंस बुक्स देखने की आदत रहनी चाहिए। मैंने बोला, अब क्वेश्चन आता है कि रेफरेंस बुक्स आएंगे कहाँ से? सर एक एक रेफरेंस बुक्स 800-1000 रुपये का है, और बच्चा एक बार लेगा, दो चार बार रेफर करेगा, फिर रख देगा। उसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, कॉलेजेस में जो होता है लाइब्रेरी। सो एक्सपर्ट इज ऑलरेडी, काम हो चुका है उसका, बुक्स हो रही है सबका। सो वी आर गोइंग टू हैव आर लाइब्रेरी फॉर आर स्टूडेंट्स ओनली, आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए उसको एक्सेस नहीं रहेगा, फॉर आर स्टूडेंट्स ओनली। देर आर गोइंग टू बी सफिशियंट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ रेफरेंस बुक्स, यू गो चेक द रेफरेंस बुक, जर्नल्स आते हैं अकाउंटिंग के रिलेटेड, राइट, ये जर्नल्स भी पढ़ने चाहिए, उसमें अपने काम का कोई एक आधा टॉपिक रह सकता है, कुछ रह सकता है, तो ये सब चीज़ें रेगुलर बेसिस पे आपको एक्सेस मिलेगा थ्रू लाइब्रेरी। अब ये सब तभी हो पाएगा जब आपके पास टाइम रहेगा। मैं कितनी भी अच्छी लाइब्रेरी बना दूँ, आपको अगर टाइम ही नहीं है तो आप आके देखोगे कैसे, राइट? सो वी विल मेक श्योर दैट यू विल गेट द टाइम, और वैसे भी शेड्यूल में ये रिस्ट्रक्चरिंग में पूरा टाइम मिल भी रहा है। 5:30 के बाद में आप फ्री हो, ऐसा कौन सा क्या रोज आके लाइब्रेरी में बैठना, बट हफ्ते में एक बार आप आ गए, आपको जो चाहिए वो जर्नल ले लिया, एक बुक ले लिया, राइट? सो लाइब्रेरी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम दिस बैच ओनली। गाइडेंस फॉर हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज, ये तो रेगुलर बेसिस पे है भी अपना, अभी भी है ये। पिकनिक, आप मैं हम लोग जो भी डिसाइड किए, इतना सब आप अगर हमको कोऑपरेट करोगे, राइट, इतना सब आप करोगे, है सब आपके लिए ही, है सब आपके लिए ही, तो फिर आपको फन पार्ट भी तो चाहिए ना, उसमें फन पार्ट भी बिल्कुल चाहिए। तो वी आर गोइंग टू हैव वन पिकनिक इन 6 months ड्यूरेशन, 6 महीने का इंटरमीडिएट का ड्यूरेशन है, तो ग्रुप वन में एक बार, ग्रुप टू में एक बार नहीं होगा, एक ही बार पिकनिक होगा। पिकनिक एक ही बार होगा, मैं जैसे बोला प्रायोरिटी अपनी पहले करियर है, सो पिकनिक एक ही बार होगा। जस्ट अब जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग थोड़ा सा चिल्लाओगे अभी, मेरे को बोलोगे सर ये गलत बात है, बट आने वाले 1 और 2 तारीख को ओवरनाइट पिकनिक एक्सपर्ट की जा रही है, वी आर गोइंग फॉर ओवरनाइट पिकनिक। ऑलरेडी 350 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड फॉर दैट पिकनिक। फर्स्ट ऑगस्ट मॉर्निंग वी आर लिविंग, एंड 2 ऑगस्ट आफ्टरनून वी विल बी रिटर्निंग बैक टू पुणे। पुणे के आसपास ही हम लोग जाते हैं प्लानिंग करके, तो दिन भर का थोड़ा एक रिलैक्सेशन होता है, सब प्रोफेसर के साथ में 1-to-1 इंट्रैक्शन होता है, बच्चों का भी फन पार्ट भी रहे ये सब में। सो पिकनिक विल बी देयर ओनली वंस इन 6 months टाइम, राइट? दिस इज वॉट वी हैव प्लान्ड, एंड वी आर डैम कॉन्फिडेंट, वी आर 100% श्योर कि जिस सपने को देख के हम लोग ये सब रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो इसके फ्रूट्स सबको मिलेंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों का करियर और बच्चों के रिजल्ट्स। रिजल्ट लाना इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए वो बच्चों को सेल्फ स्टडी का टाइम देना, उनका फोकस बनाए रखना, उनको रेगुलर मेंटरिंग प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें होंगी तो रिजल्ट भी बिल्कुल आएंगे। एक कोशिश हमारी तरफ से है, आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, और मेरे को गारंटी है कि पेरेंट्स लोग जरूर समझेंगे कि ये सब क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे का मकसद क्या है, पर्पज क्या है, राइट? आई थिंक हमारे एंड पे जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी है मैंने शेयर की, बट आपके माइंड में भी डाउट्स रहेंगे, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछो, जो भी डाउट है आपके माइंड में पूछो। पेरेंट्स को पर्टिकुलरली मेरे को बोलना है कि तुम्हाला काही वाटत असेल ह्याच्यातलं, तुम्हाला काही विचारायचं असेल तर तुम्ही नक्की विचारा, शेअर करा, तुम्हाला काय वाटतं ह्याच्यात, अजून काही तुम्हाला एक्सपेक्टेशन्स आहेत आमच्याकडनं, तुम्हाला काय वाटतं की आम्ही काय करायला हवं, काही तुमच्या मनात शंका असतील, काही असेल तर तुम्ही नक्की बोला आणि विचारा, आज त्याचा फायदा सगळ्यांना होईल। येस, एक मिनिट। स
सर आर्टिकलशिपसाठी रजिस्ट्रेशन असं काही असतं काय की कोणता सीए रेफर करायचं आहे आपल्याला काय? हो, इंटरमिजिएट पास झाल्यानंतर आर्टिकलशिप स्टार्ट होते. मग तेव्हा आपल्याला आर्टिकलशिपचं रजिस्ट्रेशन सीए डिसाईड करून मग त्याच्या अंडर ते फॉर्म्स असतात, ते फॉर्म भरून द्यावे लागतात. ती सगळी प्रोसिजर पण त्या सीएच्या ऑफिसमधनं होते. अच्छा. आणि दुसरा प्रश्न असा होता की सर आम्ही आउट सावडीचं आहोत ना, तर समजा आता तुमचा क्लास संपला 5:30 साधारण आणि ती हॉस्टेलवर राहते आणि तिथे हॉस्टेलवर जर तिला अभ्यास करायचा आहे पण बाकीचे जर रूममेट म्हणतील की तू लाईट लावू नको रात्री किंवा लेटपर्यंत अभ्यास करू नको किंवा गोंधळ असेल, तर इथे काही कोऑपरेशन आहे का त्यासाठी? ऑलरेडी आमची रीडिंग रूम फॅसिलिटी आहेच एक्सपर्टमध्ये. मुलींना फक्त आम्ही तिथे 9 वाजेपर्यंत चालवू करतो. अच्छा. मुलं रात्री 11 पर्यंत बसतात. अच्छा. काय प्रॅक्टिकल सोसायटीच्या नियमाप्रमाणे मुलींना आम्ही 9 च्या नंतर अलाऊ करू शकत नाही, पण मुलांना आम्ही 11 पर्यंत नक्की अलाऊ करतो. आपल्याकडे रीडिंग रूम आहे, त्या रीडिंग रूममध्ये मुलं बसून अभ्यास करतात. जास्त करून एक्झामच्या वेळेला हा प्रॉब्लेम आहे. काही प्रॉब्लेम आमच्या 12 महिन्याची जी ॲक्टिव्हिटी आहे ही आत्ताही आहे. अच्छा. थँक्यू. येस माहीत आहे. So I'm entering from the direct entry scheme. So is there any difference from entering from the foundation field or like difference? There is a difference. Means in direct entry scheme you have to start with your articleship first. Your intermediate attempt will be only after completing 9 months of articleship. So if you have completed BCom just now. Yes. You are right now in third no, year? No, I've graduated just now. I've graduated BCom. Graduated, na? Yes. So now you have to start your articleship in any case before 31st of July. Before 31st of July. Okay. Today is 28th. So in next 3 days you have to start with your articleship. Then only you can appear for May exam. Otherwise your attempt will be in November. It is the rule that you must complete 9 months of articleship before you write your intermediate exam. Foundation I have registered, not with intermediate. But you are from direct entry scheme or foundation route? So I applied for foundation too, but now I am graduated too. So you appeared for foundation this time? Yes. May? So your result is awaited, na? Yes. So then it will be through foundation route only, it is not direct entry for you. And how it will be direct entry? No, I have graduated BCom. That is not the problem. Okay. That is not the problem. Unfortunately, if suppose the result is negative, foundation result, then maybe you have to switch over. If you decide you have to go to direct entry, but in that case also you won't get this May attempt now, because your results of foundation are not yet declared, and within next 3-4 days we are not expecting that there will be results. So even if you take that decision, it will be in the month of August only. So your attempt will be postponed in that case. And if you pass foundation, then it will be through foundation route, then may attempt. So you have to wait for the result. Sure, sir. Yeah. Yes. So, ज्यावेळेला आपले कॉलेजच्या एक्झामिनेशन्स असतात त्यावेळेला जे लेक्चर्स मिस होतील त्यासाठी काय करायचं? कॉलेजच्या एक्झाम्स आम्ही पुणे युनिव्हर्सिटीचं शेड्यूल फॉलो करतो, पुणे युनिव्हर्सिटीचं. आणि पुणे युनिव्हर्सिटीच्या शेड्यूलमध्ये जे इयर एंडला युनिव्हर्सिटीचे एक्झाम्स होतात त्याच्यासाठी आम्ही सुट्टी देतो. पण सेमिस्टर पॅटर्न जे टर्म एंड होतात, टर्म एंडच्या सुट्ट्या आम्ही देऊ शकत नाही. त्याचं कारण हे की प्रत्येक कॉलेजचा टायमिंग युनिफॉर्म नाही. प्रत्येक कॉलेजचा वेगवेगळा टाईम असतो, टेस्टचा डेजही वेगळे असतात आणि वेगळा असतो. त्यावेळेत आपण आता एक होऊ शकतं या नवीन स्ट्रक्चरमध्ये की ऑल सब्जेक्ट्स एनिवे एक्सपर्टमध्ये आहेत, तर क्लास टायमिंग्स वी कॅन मॅनेज. मग त्या पिरियडमध्ये सकाळी जर टेस्ट आहे 7 ते 3:30, हा सुद्धा एक बेनिफिट म्हणजे तुझ्याशी बोलताना लक्षात आला फुल कोर्सचा, की समजा मेजॉरिटी स्टुडंट्सचा सकाळी 7 ते 9 पेपर आहे, तर देन इन दॅट केस मे बी विल स्टार्ट आर बॅच ॲट 10 o'clock. आणि त्यामुळे नुकसान होणार नाही. आणि तरी झालंच असा किती दिवसांचा प्रश्न येतो, बरोबर आहे? तर सर आय एम कम फ्रॉम कराड अँड कर्नाटका. कराड हां, कॉलेज तिथेच आहे. हां, कॉलेज एसएम कॉलेज कराड. पण माझं सजेशन राहील, म्हणजे पॅरेंट्स सोबत आहेत ना, पुढे आर्टिकलशिप जर पुण्यात करायची झाली, नियम असा आहे की कॉलेज आणि
आर्टिकलशिप एकाच ठिकाणी लागते कंपल्सरीली. कंपल्सरी आहे म्हणजे ह्याच्यात काही दुसरा मार्ग नाही. तर पुण्यात जर तिचं करिअर करायचं असेल आणि आर्टिकलशिप इथे करायचं असेल तर कॉलेज शिफ्ट करून घेणे पुण्याला हा एकच पर्याय आहे. एक्स्टर्नल किंवा मग इंटरनल करायचं असेल तर पुण्यात कॉलेज हवं. स्टूडेंट्स स्टूडेंट भी पूछ सकते ऐसा कुछ नहीं. कार्तिक नमस्ते सर. क्लासची स्टार्टिंग डेट नाही क्लिअर झाली. हो क्लासची स्टार्टिंग डेट क्लिअर नाही त्याचं कारण हे की सीपीटीचा तर शेवटचा अटेम्प्ट होता आणि सीपीटी ज्यांनी 2 वर्षापूर्वी रजिस्ट्रेशन केलं त्या लोकांनी दिली. पण मेन क्राऊड जो येणार आहे तो सगळा फाउंडेशनचा येणार आहे. कारण फाउंडेशन येऊन आता 2 वर्ष झाली. फाउंडेशनच्या रिझल्टची डेट डिक्लेअर्ड नाही इन्स्टिट्यूटकडनं म्हणून थांबलो आहे. कारण जोपर्यंत डेट डिक्लेअर होत नाही तोपर्यंत मी बॅच सुरू करू शकत. फाउंडेशनची मुलं पास झाल्याशिवाय ती बॅच स्टार्टच करता येणार नाही ना. कारण फाउंडेशन सीपीटी मिक्स असणार आहे. तर इन्फॉर्मली जे कळालं आहे ते असं आहे की 14 ऑगस्टला रिझल्ट लागणार आहे फाउंडेशनचा. 14 ऑगस्टला इन्फॉर्मल आहे पण हे इन्फॉर्मल आहे. तर जर ते खरं असेल आणि मला नाही वाटत 14 ऑगस्ट पुढे जाईल. 14 ऑगस्टला लावावंच लागेल रिझल्ट. तर त्या केसमध्ये 19 ऑगस्टला बॅच चालू होईल असं प्लॅनिंग आहे. तेवढे नाही मग त्या केसमध्ये काय होईल की दिवाळीत आम्ही नॉर्मली दिवाळी म्हणतो आहे गणपती विसर्जनमध्ये आम्ही नॉर्मली सगळे प्रोफेसर्स बाहेर असतो. सुट्टी असते आमची ॲन्युअल. तर 6 ते 7 दिवस सुट्टी होते दरवर्षी. 6 ते 7 दिवस विसर्जनच्या वेळेस. यावेळेस ती होणार नाही. मग या केसमध्ये मग विसर्जनची 1 दिवस सुट्टी राहील. तिथे डायरेक्ट 5-6 दिवस कवर होतात बरोबर. आणि मग पुढे नाही म्हणलं तरी 10 दिवस बॅच पुढे जाईल. म्हणजे सेकंड ग्रुप 15 नोव्हेंबरला चालू होण्याच्याऐवजी 25 नोव्हेंबरला सुरू होईल. कारण हे अनअवॉइडेबल. आम्ही काहीच करू शकत नाही. कारण फाउंडेशनची मुलं जी होतील पास होतील हे आल्याशिवाय आम्ही बॅचच घेऊ शकत नाही ना सर. आजच्या डेटला अशी सिच्युएशन आहे की 14 ऑगस्ट रिझल्ट एक्सपेक्टेड आहे. तर त्या केसमध्ये 19 ऑगस्टला बॅच चालू होईल. जर रिझल्ट लागला 2-4 दिवसात 5 ऑगस्टला बॅच चालू होईल. रिझल्ट आल्यानंतर एक कमीत कमी 5-6 दिवसाचा वेळ आम्हाला द्यावा लागतो मुलांना आणि पॅरेंट्सना. नेक्स्ट डे मी स्टार्ट नाही करू शकत ना. बाहेर गावची मुलं येतात. हो बरोबर. तर टेंटेटिव्ह आत्ताच्या ह्याला तरी असं दिसतंय की बहुतेक 19 ऑगस्ट राहील. फार नाही होणार पण 10 दिवसांनी बॅच पुढे जाईल.